सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का जीवन विचारना वो साढ़े लिए इस करके भी जरूरी हो जाता है कि जदों असी गुरु अर्जन साहिब महाराज के समय में वेखते हाँ तो कुल उम्र गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की सिर्फ 43 साल है। इस 43 साल की उम्र के गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी ने जो सानू सबर की दात पेशेंस दसिया है कि जिंदगी दे विच सबर किदां कीता जा सकता है। आले दुआले सारे ही तपे पए होण, आले दुआले सारे ही खिजदे पए होण, ते उन्हां दे विच एक कला शांति का पुंज होवे गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह, वो इस करके साडे लई इह जीवन विचारना जरूरी हो जांदा है कि इन्ने आले दुआले तपदे हुए दुनिया दे विच संसार दे विच असी अपने आप नूं जिहड़ा है वह शांत किवें रखना है, काम किवें रखना है। यह इस करके जीवन विचारना है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह नूं कहिंदे हुंदे ने कि जे गुरु अर्जन साहिब महाराज के नेड़े दे लोकां दा हाल वेखीए तो जहांगीर भी तत्ता है, जे वेखीए तो उस वेले पृथ्वी चंद भावें कि वह पहला चला जाता है पर सारी जिंदगी महाराज के नाल ईरखा करता रहा। चंदू है, काना है, ये जिन्ने भी बंदे ने ये सारे तत्ते ने। ईवन के एक समा इदा का बन जाता है कि साई मियाँ मीर गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दे नाल उदा बड़ा प्यार है, वह भी गुरु अर्जन साहिब महाराज की हालत में वेख के कह दिंदा कि सच्चे पातशाह तुसी हुक्म करो तो मैं इस शहर की इट दे नाल इट वजा देवां। गुरु अर्जन साहिब महाराज उन्हूं भी कह दिंदे ने भी नहीं भाई तुसी शांति दे नाल रहो, तुसी टिका दे नाल रहो। इन्ने आले दुआले सेक होण दे बावजूद, साड़ होण दे बावजूद जे गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं असी शांति दा पुंज कहिंदे हाँ, शहीदां दे सिरताज कहिंदे हाँ, तो इस करके साडे लई इह जीवन समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। फिर इहनूं दोहरा देवां, 43 साल की उम्र अपनियां उमरां दे हिसाब दे नाल लाईए ना तो गुरु नानक साहिब महाराज 43 साल की उम्र नूं इह आखदे ने 40 ही पुर होए, बंदा कंप्लीट हुंदा 40 साल की उम्र दे विच, उहदे कोल इन्ने क जिंदगी दे तजर्बे हुंदे ने भी उहनूं कुझ ना कुझ जिंदगी दे विच वेख के कह सकदा भी हाँ मैं जिंदगी वेख लई है, इन्नी क भी इन्ने क तजर्बे उहनूं हो चुके हुंदे ने, तो शरीर की ताकत भी वाहिगुरु की कृपा नाल इन्नी कु उहदे अंदर हुंदी आ भी उह कुछ कर सकता है। तो गुरु साहिब कहिंदे हुंदे ने, गुरु नानक साहिब महाराज जी का बचन है, कहिंदे ये उम्र ही इदां दी हुंदी है, बंदे का शरीर ही इदां दा हुंदा है। बचपन दे विच बंदे दे कोल जिन्नी मर्जी ताकत होवे, समझ जिन्नी मर्जी वड्डी होवे, पर शरीर दे अंदर ताकत नहीं हुंदी। बजुर्गी दे विच जदों बंदा वड्डी उम्र का हो जाता है, बंदे की समझ बहुत वड्डी हुंदी है, शरीर की ताकत उदों भी नहीं हुंदी। जवानी इदां दी चीज़ है जिहदे विच बंदे की समझ भी बड़े कमाल दी है, तो बंदे दे कोल उस जी जिंदगी नूं करन दी जो वह सोचता पिया है उन्हूं करन दी समर्था भी है। इन्नी संभावना है बंदे दे शरीर दे अंदर। गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे भीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया, कहिंदे भी इदां है जिदां सरोवर नूं सागर नूं एक थां दे उत्ते पंड दे विच पा के ते इकट्ठा कर दिता होवे। हुण इन्नी थां दे उत्ते जदों अकाल पुरख वाहिगुरू ने यह पंड साडे अंदर इकट्ठी कर दिती है तो बहुतियां दे कोलों यह पंड संभाली नहीं जांदी। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ने उस पंड नूं अपने अंदर संभाल के रखिया है कि जिंदगी च सबर की हुंदा है, जिंदगी दे विच जिहड़ा टिका है वह किदां दा हुंदा है। बस इस करके सच्चे पातशाह जी का जीवन असीं विचारना है। तो मैं शायद राती जां परसों भी बेनती कीती सी भी साडे गुरपुरब आउंदे ने, साडे लई दिन ही साडे गुरपुरब ने, भी असीं गुरपुरब मनाउणे ने, पर सानूं पता होवे भी गुरपुरब है कि मना क्यों रहे हाँ, किस गुरु साहिब दा मना रहे हाँ। जिस गुरु साहिब का गुरपुरब असी मना रहे हाँ उस गुरपुरब गुरु साहिब ने साढ़े लिए जीवन दे विच कीता की है सानू इन्नी कु समझ ते होवे, घटो घट बेसिक ते जरूर पता होवे, नहीं तो फिर किते उही गल ना रह जावे भी साढ़े लिए सिर्फ वह छबील वाला ते मिठे पानी वाला गुरपुरब बन के रह जावे। इदां नहीं होना चाहिए साढ़े लिए।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਧ ਧਾਰਨ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ, ਸਗਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨਹਿ ਕੀ ਆਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨਹਿ ਕੀ ਆਸਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1563, ਵੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 1563 ਦੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕੱਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਐ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1504 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
महाराज गुरु अमरदास साहब 62 साल की उम्र के गुरु नानक साहब के घर के नाल जुड़ते हैं, गुरु अंगद साहब के कोल आते हैं। यही गल गुरु रामदास साहब महाराज जी की है। 7 साल की उम्र सी गुरु रामदास साहब महाराज जी की जदों इन्हां दे माता पिता दोवें चढ़ाई कर जाते हैं। इन्हां दी नानी इन्हां नूं बसर के लै आउंदी है। बसर के पिंड सी गुरु अमरदास साहब महाराज जी का। लगभग 11 साल की उम्र है गुरु रामदास साहब महाराज जी की। प्रिंसीपल सतबीर सिंह उन्हां दा हवाला, 11 साल की उम्र दे विच सच्चे पातशाह गुरु अमरदास साहब के घर दे विच आए सन गुरु रामदास साहब महाराज। गुरु नानक साहब महाराज ने गुरमत का प्रकाश किया, घर दे विच बाद दे विच गुरमत आई। गुरु अंगद साहब महाराज के घर दे विच बाद दे विच गुरमत है। गुरु अमरदास साहब महाराज के घर दे विच इदां ही गुरु रामदास साहब महाराज के घर दे विच बाद दे विच गुरमत है। पर जिथे भट साहबान कहिंदे ने ना गुरु अर्जन साहब महाराज के बारे, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, जिस वेले गुरु अर्जन साहब महाराज का प्रकाश हुंदा है उस वेले गुरु अर्जन साहब महाराज जी के नाना जी वो गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान ने। गुरु घर का यह दोता है। तो आप जे एक समय नूं विचार लईए तो लगभग 27 साल गुरु अमरदास साहब महाराज के घर की सेवा गुरु रामदास साहब महाराज ने की है। 27 साल कह देने बड़े सौखे ने। जिंदगी दे 27 साल गुरु रामदास साहब महाराज जी ने वो गुरु अमरदास साहब महाराज के घर की सेवा की सी, जिस माहौल दे विच गुरु अर्जन साहब महाराज वड्डे हो रहे हैं। दूजे पासे जदों असी माता जी का जीवन पढ़ते हाँ तो एक बचन तो असी कई बार कहने हुन्ने हाँ, लगभग इत्थे महाराज की बड़ी मेहर है भी बच्चे का जन्मदिन होवे ते अक्सर कह दिता जाता भी ये शब्द पढ़ो। वो शब्द यही है, जिस सिमरत सब किल विख नासै पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जपो, जाका अंत ना पारो पूता, माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। अक्सर ये शब्द पढ़ने नूं कह दिता जाता। गुरु अर्जन साहब महाराज ने साढ़े उत्ते उपकार किया। महाराज ने एक आसीस देनी भी सिखा दी। हर एक माता पिता यही चाह रहा है ना कि बच्चा तंदुरुस्त होवे। हर माता पिता यह चाहता है उदी उम्र वड्डी होवे। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहिंदे साढ़े माता ने सानू की सिख्या दिती है। वो शब्द दे विच जदों असी वेखांगे ते पातशाह कहिंदे साड़ी माता सानू हर वेले यही असीस देंदी है कि ऐ पुत्तर जी तुहानू एक पल दे लई भी अकाल पुरख वाहिगुरु ना भुले। बीबी भानी इन्ना सबर है जिंदगी दे विच ते बीबी भानी गुरु अर्जन साहब महाराज नू जिहड़ी सिख्या देंदे ने। कोशिश करिया करिए, मैं अक्सर कहना हुन्ना हाँ वेखो बाणी असी याद की तुहाडे विचों नितनेम करन वाले सुखनी साहब की बाणी याद हो गई। सौखी गल नहीं है, महाराज ने बड़ी मेहर की है। पर आ जिहड़ा शब्द है, शब्द ते वेखो जिहड़ा भी याद हो जाए बहुत वाह भली गल है, पर आ जिहड़ा शब्द है, जिहड़ी माता अपने बच्चे नू चंगी असीस देनी चाहती है ते उहदे लई अरदास भी करना चाहती है, बस आ अरदास कर लवे। पुत्र बच्चा कोल बैठा होया है तां वी दूर है तां वी उहनूं चेते दे विच रख के ये अरदास कर सकती है। ये नहीं भी कोल हो गई, क्योंकि छोटे बच्चे तो कोल होंदे ने ते उहनां नूं ते कह सकते हाँ, हुण जिहड़े दूर हो गए ने कामकारां दे उत्ते ने उहनां नूं की कहा जा सकदा, उहनां लई फिर दिल तो अरदास कीती जा सकती है। तो यही है महाराज कहिंदे ने सानूं साडे माता पिता ने सिखाया भी ऐ पुत्तर जिस सिमरत सब किल विख नासै, जिसनों सिमर के जिंदगी दे सारे पाप दूर हो जाते हैं, पितरी होए उधारो। ऐ पुत्र लोकी पितरां दा उधार करते फिरते ने भी कोई कहिंदा भी इन्हां लई सूट दे दो, कोई कहिंदा इन्हां लई जोड़ा दान कर दो, कोई कहिंदा इन्हां लई प्रशादा तैयार करके ते छका दो किसी नूं। ऐ पुत्र साढ़े विच पितरां दा उधार करन दा तरीका यह नहीं है। साढ़े विच पितरां दा उधार करन दा तरीका यह है तुसी बाणी पढ़ो, तुहाडे पितरां दा भला अपने आप ही हो जाएगा। ज्यूंदे जी, जिस सिमरत सब किल विख नासै पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जपो, जाका अंत ना पारो, उस वाहिगुरु का जाप करो जिदा अंत नहीं है पूता, माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। ते पातशाह कहिंदे ने सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। ऐ पुत्र
तेरी संगत दे नाल प्रीत होवे। सुभाविक जी गल है, बंदा अपने दोस्त मित्र लभदा। माता की असीस दे रही है, तेनूं संगत दे नाल प्यार होवे। सिद्धी जी गल दे, तुसी भी परिवारां वाले, असी भी सारे परिवारां वाले, जिस बच्चे दा संगत दे नाल प्यार पै गया, उहदा होर पासे जाण दा अपने आप ही रुझान घट जाणा, क्योंकि समां देना पैंदा ना संगत नूं। महाराज कहिंदे ने तेरी संगत दे नाल प्रीत होवे, इह माता दी असीस है। सतगुर तुम को होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कपड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। जिदा बंदा शरीर दे उत्ते कपड़ा पाउंदा है ते उहदी इज्जत रह जांदी है, उहदा माण रह जांदा है ना। तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम दा कपड़ा अपने शरीर दे उत्ते पा, गुरु नानक साहब दे घर दे वल्लों तेरी इज्जत होवे, रब दे घर दे विच तेरा सत्कार होवे, तेनू कपड़ा मिले, बख्शिश मिले। कपड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंत। गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे माता सानू भी यही आखदी है वी पुत्तर तू सदा चिर जी, तेरी उम्र लम्मी होवे। सुभाविक जी गल है, मां दे अंदरों ये सीस निकलेगी, तू सदा चिर वाला होवे, तू लम्मे जीवन वाला होवे। पर इदां दा जीवन ना हो जावे वी ये सिर्फ लम्मी उम्र ही हो जावे ते विचों जीवन खाली ही हो जावे। ये देखो उस परिवार दे विचों जदों गुरु रामदास साहब ने यह गल आखी सी ना, जिहड़ा सी थोड़े दिन पहला भी शब्द विचार रहा सी, मर्द कहिंदे तिन सुन्नी दे फिरै बिन नाम है, ओए खप खप मुए करांजा। पातशाह कहिंदे उमरां होण, शरीर होण, पर यह शरीर खाली जे ना होण, खाली होणगे ते बस फिर वह एवें थाई पूरी करते होंदे ने, होर कुछ नहीं करते होंदे। साडी माता ने की आख्या, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। तू जिंदगी नूं भी जी, पर इस नाम अमृत नूं भी पींदा रह, संगत नूं भी माण, बाणी भी समझ, तेरा जीवन आनंद वाला होवे, तेरे जीवन दे विच एवें खाली पंजा ना होवे, एवें खोखला जा जीवन ना होवे तेरा, तेरा जीवन वाकया ही आनंद दे नाल, अमृत दे नाल भरिया होवे, हर सिमरत आनंद अनंता। ते इदां दा होवे पुत्तर, रंग तमाशा पूर्ण आसा, कबह ना व्यापै चिंता, चिंता तेरे नेड़े भी ना आवे। होर मां की सीस दे सकदी है। गुरु अर्जन साहब महाराज ने उन्हूं बाणी दे विच दस दिता है भी जे असीस देनी है ते आ वी दे के वेख लो। रंग तमाशा पूर्ण आसा, तेरी हर आस पूरी होवे, कबह ना व्यापै चिंता, भवर तुम्हारा यह मन होवो, हर चरना हो कौला। जिदा कमल दे उत्ते भौरा आके बैठ जाता है, ऐ पुत्र मैं इस गलों चाहती हाँ भी तेरी सुरत का ध्यान अकाल पुरख वाहिगुरु के वल इदा हो जाए, तेरा मन भौरा बन जाए, तो वाहिगुरु के कमल वर्गे चरण जेड़े ने ना वो तेर जेड़ा है वो उत्ते तू अपना मन टिका देवे, तेरा मन भौरा बन जाए। वाहिगुरु के चरण कमल वो तेरे लिए कमल का फुल बन जाण, जिदा भौरा कमल के उत्ते आके बैठता है, इदा तेरा मन गुरु दे वल होवे, इदा तेरा मन शब्द दे वल होवे, इदा तेरा मन गुरबाणी दे वल होवे। भवर तुम्हारा यह मन होवो, हर चरणा हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, ज्यो बूंदा है चात्रिक मौला। ते जिदा चात्रिक का सुभा, जिहड़ा गुरबाणी ने बोलिया पपीहे का सुभा, कहिंदे आले दुआले जिन्ना मर्जी पानी भरिया होवे, समुंदर भरे होण, दरिया भरे होण, वह सिर्फ बारिश की बूंद ते उहदे विचों भी खास सुवंती बूंद नूं पींदा है ना। तेरे आले दुआले जिन्नी मर्जी दुनिया होवे, पर तेरा मन जिहड़ा है ना वह इदां गुरु के शब्द के नाल जुड़िया रहे, जिदा चात्रिक जिहड़ा है ना वह बूंद नूं तरसदा है, जिदा चात्रिक बूंद नूं मंगदा है, तू इदां गुरु के शब्द नूं मंगे। गुरु अर्जन साहब महाराज के बचपन की यह सिक्ख्या है भी माता की असीस की है। बीबी भानी, मैं ये लगभग उस दिन बीबिया के समागम के भी इस गल बोलिया सी भी अजकल वेखो पेरेंटिंग दे लई हज़ारां लैक्चर ते सैकड़े किताबां अवेलेबल ने, ते सानू सारिया नू पता हुंदा भी मालक ने समा देता है सानू साढ़े घर दे विच इन्ने चिर बाद बच्चे का जन्म होना। गुरु घर दे विच जदों ओ समय चलदे सी उदों की इन्हां गल्लां दा ध्यान सी भी इदां पेरेंटिंग की जाती है जी, इदां करने आ। अजकल तो वेखो स्पैशल क्लासिस लगदियां ने इस चीज़ के बारे, स्पैशल काउंसलिंग हुंदियां ने भी आ इदां करना इदां करना। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने साडी माता दे वल्लों सानू असीस की है, और कल्ली गल गुरु अर्जन साहब महाराज की नहीं सी, वो तो सारे पासे दी सी भी असल दे विच मां दे अंदरों असीस ये ना निकले
ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈਂ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੁਸਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸ਼ਾ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕੂੰਜ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕੂੰਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਗਾਈਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ। ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਤੀ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਹਿਪਾਠੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਣਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 11 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਿੜਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ,
गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी बालक रूप के विच जदों गए तो वह बाल लभदिया ने उन्होंने वह मंजा जिहड़ा सी उह हिला दिता। तो गुरु अमरदास साहब महाराज एकदम उठे भी की गल होगी भी मंजा हिलाने वाला कौन है। तो उस वेले बीबी भानी जी क्योंकि जल्दी तो जल्दी जो वेख्या भी बच्चा उधर चला गया सुभाविक है सारे ध्यान रखते हैं वो वेख्या भी बच्चा उधर चला गया तो बीबी भानी ने दसिया भी ये तुहाडा दोता है। गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने उदन आख्या सी भी कला दोता नहीं है ये बाणी का बोहिथा भी है। बोहिथ का मतलब हुंदा है जहाज भाव कि गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी संसार नूं एक तो महाराज की अपनी बाणी आ दूजा सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जो साढ़े सामने जिन्हां दे करके असी सारे एक थां ते इकट्ठे बैठ जाने हाँ। गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने यह बख्शिश गुरु अर्जन साहब के उत्ते बचपन के विच ही कर दित्ती सी। बस जो गुरु ने बोलता वह वाहिगुरु ने सुन लिया। हजूर कहिंदे जो बोलिया पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया। एक घटना का जिक्र होर आउंदा है सच्चे पातशाह जी के बचपन के विच कि गुरु अमरदास साहब महाराज एक दिन लंगर दे विच बैठ के प्रशादा छकते पे सी। ते महाराज का जिहड़ा प्रशादा हुंदा सी ओ बिल्कुल उन्हूं ओगरा कहा जाता जिहदे विच लूण मिर्च बहुत घट मात्रा दे विच जां ते पाया ही नहीं जाता बहुत घट मात्रा दे विच बड़ा सौखा जिहा बड़ा आराम दे नाल पच जाण वाला महाराज जी का यह पकवान सी। सच्चे पातशाह जी लंगर दे विच बैठ के छकते पे सी। गुरु अर्जन साहब महाराज आ गए सुभाविक है बच्चे आ जाते ने। महाराज जी आए तो वह जिहड़ा थाली दे विच पिया होया सी ओगरा उन्हूं कढ के ते बाहर सुटना शुरू कर दिता बाहर करना शुरू कर दिता। गुरु अमरदास साहब महाराज ने उस वेले फिर आख्या सी जदों थाल खिंचण लगे गुरु अर्जन साहब महाराज अपने वल ते गुरु अमरदास साहब महाराज ने चुक के ते गोदी दे विच बिठा लिया। तो प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहिंदे ने भी ये आख्या सी भी ठहरो थाल दिया मालका इस थाल नूं तू अपने पिता दे कोलों प्राप्त करी। हुण थाल वेखण नूं ते ओह प्रशादे दा है पर उहदा अंतरीव भाव साडे विचारवानां ने ये लिया सी भी ओह थाल असल दे विच गुरता गद्दी की जिम्मेवारी है वह थाल असल दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का है जिन्हों पातशाह ने फिर अगे गल लिखी सी। थाल विच तीन वस्तु पई हो सत संतोख विचारो वह थाल की है गुरु के शब्द का थाल है। महाराज कहिंदे अपने पिता के कोलों इहनू तुसी प्राप्त करियो। हुण बख्शिशां क्योंकि साहिब सच्चे पातशाह गुरु अमरदास साहिब महाराज भी बचपन वेखते पे सी। दो भरा महाराज दे होर ने शायद मैं थोड़े दिन पहला भी इस बाबत विचार की है पर इदा कह लिए संखेप करांगे फिर असी महाराज के जीवन के अगले पासे नूं विचारांगे। वेखो प्रवृत्तियां ने कुछ गल्लां सुभाअ दे विच आउंदियां ने कुछ चीज़ां ते बदलियां जा सकदियां ने पर कुछ नहीं बदलिया जा सकता। जे बदलिया जा सकता होवे सारा कुछ तो जरूर बाबा पृथ्वी चंद का बदलिया जा सकता सी पर नहीं बदलिया गया। जे बदलिया जा सकता सी ते बाबा महादेव जी का भी कुछ बदलिया जा सकता सी पर सारा नहीं बदलिया गया। हालांकि समझ लो असी तो इदा कहने हुंदे आ कि ये तीन ही सुभाअ ने दुनिया दे विच। मैं थोड़े दिन पहला बेनती की थी सी एहो तीन सुभाअ ने जां ते तुहानूं बंदा इदां दा मिल जाएगा भी बहुता ही दुनियादार है भी मतलब ही नहीं हैगा उहनूं किसी चीज़ का उहदे लई घर ही की आ घर घूमण वाणी पाई उहदे लई घर ही घूमण घेरी बन गया बस उहदे तों ही उत्ते नहीं निकल पाउंदा। तो दूजा फिर वह है जिहड़ा कहिंदा मैनूं मतलब ही नहीं घर दे नाल घर घूमण वाणी पाई तो दूजा कहिंदा आपां घर करना ही की है। हुण इकली घर घूमण घेरी बन गया जिहदे लई इह बन गया उहदा सुभाअ मन लो बाबा पृथ्वी चंद दे नाल रिलेट कर जांदा भी आपां उस सुभाअ दे विच जी रहे हां ते जिहड़ा सारा कुछ छड्ड के बैठा है वह थोड़ा जिहा सुभाअ बाबा महादेव जी वर्गा हो गया। चलो अजे बाबे महादेव वर्गे लभणे ते औखे ने प्रीति चंद वाला सुभाअ ते लगभग आ ही जांदा है बहुतियां दे विच लड़ाई वाले पासे तो नहीं पकड़ वाले पासे फिर दूजी गल करांगे। गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे ने भाई जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता जिस ग्रह थोड़ी सो फिरिया परमंता दोहों व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पाली है। ना तो तुसी इन्ना ज़्यादा खुबो उहदे विच भी खुब के ही रह जावो ते ना तुसी इन्ना ज़्यादा उहदे चों निकलो भी तुहानूं जिहड़ा है उस संसार दे नाल मतलब ही खत्म हो जावे। दुनिया जीणी भी है इहदे तों बिना भी की गुजारा है ते पर इहदे विच रह के दुनियादार जी हो जाणा उह भी की पासा है। पातशाह ने उहदे विचला रस्ता सानूं दस्सिया सी। हजूर कहिंदे ने सच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा बाहर सूत जगत स्यों सगल स्यों मौला अलिप्त रहों जैसे जल मैं कौला। कहिंदे बस इदां है जिदा कमल पानी दे विच रहिंदा है उगदा भी पानी दे विच ते पानी तो निर्लेप भी है चिक्कड़ तो। महाराज ने यह रस्ता दस्सिया। हुण सच्चे पातशाह जिथे गुरु अर्जन साहब महाराज जी
पढ़ाई करते ने उत्थे पातशाह जी बड़े कमाल दे कीर्तनीए सन। कवि भाई कान सिंह नाभा होना का हवाला है, सिरंदा साज जिहड़ा अजे भी दरबार साहब वजदा है, सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने खास तौर दे उत्ते सिख रागियां नूं इहदे बारे जानकारी दे के ते महाराज जी ने तैयार करवाया सी। सिरंदा गुरु अर्जन साहब महाराज की काढ़ है, उहदे तों पता लग जांदा है कि गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी किड्डे कमाल दे कीर्तनीए सन अपने समय दे विच। महाराज कीर्तन बड़े कमाल दा करदे सी। बचपन दे विच ही एक घटना का जिहड़ा जिक्र आउंदा है, लगभग जे प्रिंसीपल सतबीर सिंह उहनां दा हवाला वेखीए ते गुरु अमरदास साहब महाराज जी देख रेख दे विच ही उहनां दी मंगणी होई सी ते विआह भी गुरु अमरदास साहब महाराज दे हुंदिआं ही गुरु अर्जन साहब महाराज दा हो गिआ सी। विआह होइआ सी इहनां दा मौसा पिंड है फिलौर दे लागे माता गंगा जी दे नाल। ते जिस वेले इहनां दा विआह होणा सी असी बजुर्गों के लागे बैठीए तो वह दसते होंगे ने भी जो दूजिया पिंड बरातं विहन जा करते होंगे सी जे पिंड वाले होंगे सी वो कोई ना कोई प्रीख्या रख देंदे होंगे सी, कोई ना कोई सवाल पा देना भी सवाल हल करो तो फिर तुहाडी रोटी खोलांगे, फिर तुहाडे नाल जिहड़ा है वह इदा आपां अगे दे शगन विहार कार विहार करांगे। जो गुरु अर्जन साहब महाराज विहन गए सी ते वेखो कुछ तो होंदिया भी चलो रस्मां चलदियां सी सुभाविक सी उदों सारे पासे ये चलदा सी ते कुछ बंदे शतानियां भी कर जांदे होंदे सी क्योंकि कुछ जिहड़े महाराज दे घर तो ईरखालू होंदे सी उह भी इहदे विच आ के रल जांदे होंदे सी। गुरु अर्जन साहब महाराज जी जदों विआहण दे लई गए पातशाह गुरु रामदास साहब महाराज जी होर सिख संगत नाल गई ते पिंड वालिआं ने आख्या भाई साडे पिंड दा ते रिवाज़ इह है भी जिहड़ा लाड़ा विआहण आया होवे उह पहिलां नेज़ाबाजी करके विखावे, जे वह नेज़ा पुट लवेगा तो फिर साढ़े पिंड दे विच रसम होंदी है भी असीं विआह कर देने। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे नाल ते उन्होंने शतानी यह भी कर दिती सी। वैसे नेज़ा वह हुंदा है जो असी जमीन दे विच आप एक टोआ पुट के खड्डा पुट के फिर उहदे विच एक किला कढ दिता जांदा लकड़ दा। होले महल्ले दे उत्ते विसाखी दे उत्ते तुसीं आनंदपुर साहब वेख सकदे जे इहदियां वीडियोज़ अवेलेबल ने इंटरनेट दे उत्ते भी। नेज़ा पुटना नेज़ाबाजी कहा जांदा, वह घोड़े ते सवार आउंदा है राइडर ते वह उन्ने क समय दे विच डेढ़ दो सैकेंड का समा हुंदा इहदे तों भी घट ही हुंदा है उस नेज़े नूं पुट के ते लै के जाणा हुंदा। गुरु अर्जन साहब महाराज दे नाल इन्हां ने इह शतानी कर दित्ती सी पिंड वालिआं ने भी किला नहीं सी गड्डिआ, जिहड़ा एक दरख्त सी किले दे साइज़ दा उन्हां ने उन्हूं उपर तों कट के रख दिता जिहड़ा उहदियां जमीन दे विच ही सी अजे वेखण नूं उह किला ही नज़र आउंदा सी। महाराज गुरु अर्जन साहब महाराज नूं उही प्रीख्या पा दित्ती भी साडे पिंड दा नियम इह है भी जिहड़ा इत्थे आवे उह नेज़ाबाजी करे। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी घोड़े दे सवार हो के महाराज जी ने उत्थे उस दरख्त नूं जदों जड़ तों पुट्टिया सी, सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज की याद दे विच उह अस्थान है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी जिथे महाराज पढ़ाई दे विच, जिथे महाराज जी बंदगी दे विच, जिथे महाराज कीर्तन दे विच, उत्थे महाराज जी शरीर वाले पासे तो भी शस्त्र विद्या वाले पासे तो भी गुरु अर्जन साहब महाराज जी का यह पासा साडे सामने आ जाता। पर गल फिर सिर्फ यही वेखनी है जिन्हों महाराज गुरु नानक साहब आखते ने ना भी जिन्ना जिन्ना शरीर के अंदर असी वेखांगे ना भी अकाल पुरख वाहिगुरु ने समुंदर एक टिका दिता साढ़े शरीर के अंदर, तो जिदे समुंदर के बारे जिन्हों समझ लग गई वह कि बंदा है जिहड़ा इस अंदर वसदे हुए समुंदर नूं ठल पा के रख लवे। भी गुरु अर्जन साहब महाराज वेखिए पढ़ाई भी चंगी, बंदगी भी चंगी, कीर्तन भी चंगा, शरीर की विद्या भी चंगी, हर पासे तो अव्वल। तो महाराज नूं फिर असी यह कह दीए ना भी सच्चे पातशाह दे अंदर सबर किन्ना, शांति किन्नी, ते वाकया ही तुलना नहीं की जा सकती अकाल पुरख वाहिगुरु ने किन्ना सबर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे अंदर पाया। ये एक पासा है, इन्नियां कला होण दे बावजूद, इन्ने गुण होण दे बावजूद सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज ने कदी विखाया ही नहीं भी मैं इन्ना कुछ जानता हाँ तो मैं इन्ना कुछ हाँ। आपां अगले भी दिनां च यही चीज़ सीखनी है, मैं जिहड़ी शुरू च बेनती की है ना वेखना असी यही है भी इन्ने गुण होण दे बावजूद भी अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिहड़ा सबर गुरु अर्जन साहब महाराज की झोली दे विच पाया है सच्चे पातशाह किते कृपा करन उह साडी झोली दे विच भी आ जावे, बस यही सीखना है, इस करके जरूरी है। नहीं तो वेखो छोटी छोटी गल तो साढ़े हाल की हो जाते हैं। जदों समा बनता है गुरु अमरदास साहब महाराज जी ज्योति जोत समा जाते हैं। गुरता गद्दी दे उत्ते 1574 की एक घटना है, गुरु रामदास साहब महाराज जी बैठ जाते हैं।
हुण महाराज जी दे बाकी पुत्तर जिहड़े ने ओह वी वड्डे हो गए। बाबा प्रीति चंद जी सेवा ते पहला करदे सी, हुण लंगर दा प्रबंध, संगत दे आए चलाए दा प्रबंध, जो कुछ आ रहा है उहदा बाकायदा रिकॉर्ड रखना, कौन आया कौन गया, किन्ने किन्ने पैसे दिते, कौन किहड़ी सेवा लै के गया, कित्थे गए पैसे, इह सारा रिकॉर्ड बाबा प्रीति चंद दे कोल सी। गुरु अर्जन साहब महाराज सेवा करते रहिंदे हुंदे सी। बाबा महादेव जी थोड़े दे विरक्त सुभा दे बोले ने भी त्यागी सन बहुता इस पासे तों। हालांकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के वीर जीवन के बारे इदां दे त्यागी भी नहीं भी बिल्कुल ही छड्डिया सी, पर इदां दे त्यागी भी ज्यादा इंट्रस्ट नहीं सी लैंदे ज्यादा इन्हां चीज़ां दे विच। हुण गुरु अर्जन साहब महाराज जी जदों एक जिक्र आउंदा है कि पातशाह गुरु रामदास साहब महाराज जी दे ताए दे पुत्र दा विआह सी, तो वह गुरु रामदास साहब महाराज दे कोल सदा देण ते इस करके आए भी चलो गुरु साहब जाण आउणगे विआह दे उत्ते लाहौर दे विच ते साडा माण होवेगा। तो गुरु रामदास साहब महाराज कहिंदे भाई असीं गए, साडे नाल संगत भी जाणी है, संगत जाएगी तो संगत की गिणती का पता नहीं, वध भी हो सकती है, तो फिर जिथे बरात जाएगी उन्हां दे नाल संगत भी जाएगी तो उन्हां लई प्रबंध करना औखा हो जाएगा, ये गल ठीक नहीं लगती, इस करके साडे बच्चों के विचों एक बच्चा आ जाएगा, असी नहीं जावांगे क्योंकि साढ़े आने के नाल संगत जाती है। तो गुरु रामदास साहब महाराज के यह भी पासा वेखो भी महाराज जी दूसरों के बारे परिवारक रिश्तों के ठीक है कि महाराज के परिवार के रिश्ते ने, पर महाराज उहदा ध्यान भी किन्ना रखते पे ने भी नहीं एवें दूजिया के उत्ते बेलोड़ा बोझ ना पवे, इस गल का आपां भी थोड़ा जिहा ध्यान रखिया करिए। फिर दूजा पासा जदों महाराज गुरु रामदास साहब महाराज ने बाबा प्रीति चंद नूं आख्या तो बाबा प्रीति चंद ने मना कर दिता, कहिंदे मैं इत्थों दा हिसाब वेखना है, मैं नहीं जाना। दूजे पासे बाबा महादेव दा सुभाअ जिहदा असीं विचारदे हाँ तो उन्होंने भी लगभग यह कह दिता भी मेरा संबंध नहीं इन्हां दे नाल। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे बारे महाराज गुरु अर्जन साहब महाराज जी जो गुरु रामदास साहब ने आख्या पातशाह जी उस वेले तो उठ के तो तुर पे। मैं एक गल कहनी है, मैं जदों पढ़दा पिया सी इस घटना नूं, देखो असी नौकरी करते हुई किसी की असी चाह भी चाहते भी हो भी नहीं जवाब दे सकते क्योंकि सानू पता भी नौकरी करते पे, साढ़े उत्ते कोई मजबूरी आ गई, उन्हें सानू कहता ना भी तेनों काम करना पैना, असी जवाब नहीं दे सकते। कोई भी कारण हो जाए, डर हो जाए, नौकरी हो जाए, सारी हर एक अपना अपना एक ख्याल हों भी नहीं मैं ना नहीं कर सकता मजबूरी है, बंदा किनू ना कर सकता, बंदा सिर्फ माँ प्यो ना कर सकता जी भी माँ प्यो कह तो बच्चे की मर्जी है भी मैं नहीं करना, ऊँ पता भी माँ प्यो ही इदा होंगे ने, जो मैं कहता ना भी नहीं करना तो माँ प्यो थोड़ा चिर तो औखे हो गए, बाद मन जाना भी ठीक है नहीं करना तो ना कर वेखते ही हाँ सारे। बाबा प्रीति चंद ने की किया यही तो किया भी मैं पता भी गुरु रामदास ने तो मन ही जाना भी मैं नहीं जाना तो ठीक है नहीं जाना तो कोई गल नहीं, यही हिसाब है जो असं करते पे हैं। मान लो भी मैं नहीं करना, हुण मान लो माँ प्यो नूं असीं कह दईए नहीं करना, माँ प्यो ने की कर लेना, बस गल खत्म हो गई, माँ प्यो मन जाते ने उस चीज़ नूं। गुरु अर्जन साहब महाराज का वो पासा वेखण की कोशिश करिए भी सच्चे पातशाह गुरु रामदास साहब ने आख्या तो महाराज ने आख्या तुसी जिथे भेजोगे इहदे तों औखी हालती होगी तो मैं जाण दे लई तैयार हाँ, ये किहड़ी चीज़ है, ये एवें नहीं आउंदी। जिदा मैं बेनती की है ना बाहर दिया नूं तां बंदा झट हां कर दिंदा भी मजबूरी होवे तां वी कह दिंदा, अपने माता पिता के अगे भी उस गल नूं उदां ही मन लैणा। असी बाहर वालियां दियां 10% गल्लां दसां दे विच्चों मन लैंदे हाँ, पर जे कितें घरदियां दियां मनणियां पै जाण ते असीं घरदियां दियां दसां दे विच्चों 6 वी ज़्यादा हो जांदियां ने, सानूं उह वी लगण लग पैंदा भी इहनां दी नहीं मननी बाहर दियां दी, भावें मैं सारियां ही मन लवां, जरूरी नहीं भी मनदे नहीं हाँ, मनदे हाँ, पर साडे कोल बड़ियां ऑप्शनस ने भी घरदियां दी ना मन्नो कोई नहीं, बाहरियां दी मजबूरी दे विच भी मननी पै जांदी। गल यह सी भी गुरु अर्जन साहब महाराज ने जिथे गुण अपने अंदर इन्ने पाए ने उत्थे माँ प्यो का सतिकार सच्चे पातशाह जी के जीवन के विचों नहीं मुका, जिदा पिता गुरु रामदास साहब ने आख दिता पातशाह ने कर लिया। समा महाराज गुरु रामदास साहब महाराज के अधीन लगभग इदा कह लो 7 साल का समा बतीत किया है गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने। 18 साल की उम्र गुरु अर्जन साहब महाराज जी की बन जाती है जिस वेले गुरु रामदास साहब महाराज जी गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान हो जाते हैं 18 साल की उम्र। तो 18 साल की उम्र की होंदी है तुसी वेख लो, अज की बोली जो टीनेजर कहिंदे ने वोट पाउण दा हक 18 साल के बंदे नूं मिलदा, जिहड़ी उम्र दे विच हक मिलदा ना उस उम्र दे विच गुरु अर्जन साहब महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਖੇੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਬਰ ਦਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਟਿਕਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਬਰ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ,